विद्यार्थियों, बे पार्ट फर्स्ट दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भारतीय दर्शन में प्रथम दर्शन जो चार्वाक दर्शन है, जो नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में माना जाता है, चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के उपरांत हम तत्व मीमांसा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग बलिवादी जानते होंगे कि दर्शन के तीन आधार स्तंभ होते हैं जिनके आधार पर दर्शन को समझा जा सकता है। ये जो तीन आधार है वो तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है और नीति मीमांसा। तीन प्रकार की जो है आधार स्तंभ माने गए जिसके ऊपर जो है संपूर्ण दर्शन टिका हुआ है, चाहे वो भारतीय दर्शन के संदर्भ में चर्चा करें चाहे पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में चर्चा करें। यह तीन भागों में बांट कर ही हम दर्शन को समझते हैं, दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो है तत्व मीमांसा, जिसके संदर्भ में तत्व मीमांसा के संदर्भ में जो चर्चा चार्वाक दर्शन के संदर्भ में अब हम करेंगे। तत्व मीमांसा के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, सभी दर्शनों के अंतर्गत, उसके संदर्भ में हम बात करें कि जगत के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में, स्वर्ग नर्क, सत है असत है, संभवन है, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। सत क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जड़ जगत क्या है, जड़ जगत का निर्माण किसने किया, ये जो सारे जो प्रश्न है वो तत्व मीमांसीय मेटाफिजिक्स का विषय है जिसके अंतर्गत हम सभी दर्शनों के अंतर्गत रखते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान का प्रमाण क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, ये सारी जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान का स्वरूप किसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को सिद्ध करने के साधन क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। और अंतिम जो है तत्व मीमांसा, जो नीति मीमांसा है, वो मनुष्य के आचरण के संदर्भ में चर्चा करता है कि मनुष्य का नैतिक आचरण कैसा है, मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करने का जो कार्य करता है वो नीति शास्त्र करता है। ऐसे कर्म जिन कर्मों को करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र, जिन कर्मों पर मनुष्य का नियंत्रण ही नहीं है उन कर्मों का मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं कर सकता है। तो यहाँ तीन जो नीति शास्त्र है, नीति मीमांसा है, उसमें शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इन सब के बारे में जो है चर्चा की जाती है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है आज जो है, चूंकि ज्ञान मीमांसा की पहली चर्चा हमने ज्ञान मीमांसा की चर्चा हमने पहले की, क्योंकि दर्शन का जो आधार स्तंभ है वो ज्ञान मीमांसा है। तत्व मीमांसा को सिद्ध करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता पड़ती है। तो तत्व मीमांसा, किसी भी दर्शन की जो तत्व मीमांसा है वो ज्ञान मीमांसा पर ही आधारित होती है। तो ज्ञान मीमांसा को समझने के बाद में ही हम तत्व मीमांसा को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमने देखा था कि प्रत्यक्ष में उपरमाणम, कि ज्ञान का जो एकमात्र साधन है वो क्या है, प्रमाण जो है वो केवल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और उन्हीं वस्तुओं की सत्ता में विश्वास करता है जो प्रत्यक्ष अथवा दृष्टिगोचर है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का एकमात्र साधन है और ज्ञान का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष होने के कारण चार्वाक दर्शन केवल उन्हीं वस्तुओं की सत्ता में विश्वास करेगा जिनका प्रत्यक्ष करना संभव है। जो वस्तुएं दृष्टिगोचर है उनकी सत्ता को ही स्वीकार किया जा सकता है। जिनका अस्तित्व का बोध हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए चार्वाक दर्शन जो है आत्मा है, ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है आदि अदृष्ट विषयों में आस्था नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्षीकरण करना ही संभव नहीं, इनका दृष्टिगोचर होना ही संभव नहीं है। चाहे वो आत्मा के संदर्भ में बात हम करें, चाहे ईश्वर के संदर्भ में बात करें, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है आदि का जो है, जो हमें जिनका परसेप्शन नहीं हो रहा है उनकी सत्ता को स्वीकार
नहीं किया जा सकता, उन विषयों में यह विश्वास नहीं करता है। चार्वाक तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो है हमें जगत के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में और ईश्वर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तत्व मीमांसा का जो मूल जो है, चार्वाक तत्व मीमांसा की जो चर्चा करेंगे उसके अंतर्गत हम सबसे पहले जगत के संदर्भ में बात करेंगे, फिर आत्मा के संदर्भ में करेंगे और अंत में ईश्वर के संदर्भ में करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जिन विषयों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, जिनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता है, उस ज्ञान को चार्वाक दर्शन स्वीकार करता ही नहीं। केवल उसी के वस्तु के अस्तित्व को यह स्वीकार करता है जिसको हमारे जो इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है, उस ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान के रूप में यह स्वीकार करता है। तो चार्वाक क्या है? चार्वाक की तत्व मीमांसा का जो पहला बिंदु देखेंगे उसके अंतर्गत जो है हम जगत के बारे में देखेंगे। जगत सभी भारतीय दर्शनों की जो मूल समस्या है वो जगत की समस्या है। जगत की समस्या क्या है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ, जगत का निर्माण किसने किया। दो बातें उभर कर सामने आती है, एक तो जगत के निर्माण के लिए उपादान सामग्री क्या है, उपादान कारण क्या है, और उसका निर्माण करने वाला जो निमित्त कारण है वो कौन है। दो प्रश्न जो है जगत के संदर्भ में जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं कि एक तो उसका मटेरियल क्या है, उसकी सामग्री क्या है जिसके द्वारा जगत का निर्माण होता है, और दूसरी बात कि जगत का निर्माण करने वाला कौन है, सृष्टा कौन है, सृष्टिकार कौन है, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया। तो जो लोग आस्तिक लोग हैं, जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, उनका जो है इसके संदर्भ में जवाब दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है कि सृष्टि का निर्माण करने वाला जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर ने जगत का निर्माण किया, इसलिए जगत का जो सृष्टिकार है, जगत का जो निर्माता है वो निमित्त कारण है, वो कौन है, ईश्वर है, और ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है। किसके द्वारा किया है? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जगत का निर्माण अपने में से किया है, और कुछ दार्शनिकों का यह मानना है कि जगत का निर्माण जो है ईश्वर ने किया तो पंच महाभूतों के द्वारा किया है। तो पंच महाभूत जो है, जो परमाणु रूप है, जो जड़ रूप है, वो तो मेटेरियल है, वो सामग्री है जिसे हम उपादान कारण कहते हैं, और इस सामग्री का उपयोग करके इस जगत का जो निर्माण करता है, जो निमित्त कारण है, वो ईश्वर है जिसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो ईश्वर जो है इस जड़ जगत का निर्माण करता है, जो सृष्टिकार माना जाता है। तो सृष्टिकार के संदर्भ में जो आस्तिक दर्शन है, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो जगत की समस्या का को सुलझाने के लिए ईश्वर का सहारा लेकर उसका समाधान करते हैं कि जगत का जो व्यवस्थित जड़ जगत है, उस व्यवस्थित जड़ जगत का निर्माण कोई जो है ऐसी सत्ता ही कर सकती है जो इस लोक से परे हो, जो सर्वज्ञ हो, क्योंकि जगत का मनुष्य तो अपूर्ण है, कोई अपूर्ण सत्ता किसी विषय का निर्माण नहीं कर, व्यवस्थित जगत का या पूर्ण वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती। इस व्यवस्थित या पूर्ण जगत का जो निर्माण है वो तो किसी पूर्ण सत्ता के द्वारा ही किया जा सकता, और वो पूर्ण सत्ता कौन है? ईश्वर है जिसने इस जड़ जगत का निर्माण किया है, और जड़ जगत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? पंच महाभूतों के द्वारा, जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश, इन तत्वों के द्वारा जड़ जगत का निर्माण किया गया है। अब प्रश्न यह है कि चार्वाक दर्शन न तो ईश्वर की सत्ता को मानता है, इसलिए ईश्वर तो जगत का निर्माता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को वो नहीं मानता। और ईश्वर को क्यों नहीं मानता? उसके पीछे मूल कारण है कि उसकी ज्ञान मीमांसा में केवल एक ही प्रमाण माना गया, जो प्रत्यक्ष है, और ईश्वर का जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, ईश्वर कभी दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए चार्वाक दर्शन ईश्वर की सत्ता को
स्वीकार नहीं करता कि जिसका हमें दर्शन ही नहीं होता है, जिसका जिसको देखना ही संभव नहीं है, उसकी सत्ता को हम किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान मीमांसा का एकमात्र साधन जो है वो प्रत्यक्ष है। यदि कोई वस्तु जो है प्रत्यक्ष होती है तो उसको सत्ता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर का कभी कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता तो फिर इस जड़ जगत का निर्माण कैसे हुआ है? क्योंकि ईश्वर ने तो जड़ जगत का निर्माण नहीं किया। अब ईश्वर ने जड़ जगत का निर्माण नहीं किया तो फिर जड़ जगत का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो चार्वाक दर्शन जो जड़वादी दर्शन है, जड़वादी दर्शन का तात्पर्य क्या है कि जो जड़ को ही एकमात्र सत्य के रूप में मानते हैं, जड़ को एकमात्र सत्य के रूप में मानते हैं, उसे जड़वादी दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो चार्वाक दर्शन एकमात्र एक जो है जड़वादी दर्शन है, जड़ को ही एकमात्र सत मानता है। सत से तात्पर्य जो नित्य है, जो शाश्वत है, और उसी के द्वारा जो है समस्त जड़ जगत की उत्पत्ति मानी जाती है, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु। जड़ ही मूल तत्व है और जड़ के द्वारा इस जड़ जगत का निर्माण किया गया है। तो जड़ तत्व जो है चार प्रकार के होते हैं, जो महाभूत जो माने गए हैं, जो अचेतन तत्व है, जो जड़ तत्व है, वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के माने गए। कौन से? पृथ्वी है, जल है, वायु है और अग्नि। ये चार महाभूत है जो जड़ जगत का निर्माण करते हैं। ये चारों तत्व जगत के उपादान कारण माने गए। चारों जो तत्व है जगत के उपादान कारण माने गए। ये जगत इन्हीं चार तत्वों से निर्मित होता है और इन्हीं से क्या होता है? विकसित होता है। ये जगत जो है चारों तत्वों से ही निर्मित होगा और इनके द्वारा ही ये विकसित होता है। अब देखिए, भारतीय दर्शन में पंच महाभूतों की सत्ता स्वीकार की जाती है, तो चार महाभूत, चार्वाक दर्शन चार महाभूतों की बात कर रहा है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश। जबकि भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है पांच महाभूतों की सत्ता स्वीकार की जाती है, तो पांचवें महाभूत के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे? आकाश की बात करेंगे। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि और आकाश। परंतु चार्वाक दर्शन जो है आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता है? क्योंकि आकाश का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता, वरन आकाश का ज्ञान किसके द्वारा होता है? अनुमान के द्वारा होता है। और चार्वाक दर्शन जो है अनुमान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वह जो है आकाश की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता कि आकाश का ज्ञान जो है निश्चित ज्ञान नहीं है। आकाश का ज्ञान जो है शंका से रहित ज्ञान नहीं है। इसलिए चार महाभूतों के द्वारा ही जड़ जगत का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के द्वारा ही होता है। इसमें चार्वाक आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। और भौतिक तत्वों के ये जो भौतिक तत्व है, चार भौतिक तत्व है, इनसे जड़ जगत का निर्माण किस प्रकार से होता है कि भौतिक तत्व जो है आपस में संयोग कैसे करते हैं? क्योंकि ईश्वर नाम की सत्ता को तो चार्वाक स्वीकार नहीं करता है। तो चारों तत्व जो है किस प्रकार से संयोग करते हैं? चार्वाक जो है बतलाने का प्रयास करता है कि चारों तत्व जो है स्वत ही संयोग करते हैं। ये जो चारों तत्व है वो अपने आप जो है संयोग करेंगे, क्योंकि इनका स्वभाव क्या है? संयोग करना। जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दी का स्वभाव जो है शीत है, गर्मी का स्वभाव जो है उष्णता देना है। आग का स्वभाव हम देख रहे हैं कि आग का स्वभाव क्या है? उष्णता देना होता है। बर्फ का स्वभाव क्या होता है? शीतलता देना होता है। उसी प्रकार से इन महाभूतों का स्वभाव क्या है? आपस में संयुक्त होना और बिखरना। जब आपस में संयुक्त होंगे तो जगत का निर्माण होगा, और जब ये वापस बिखरने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? परलय की अवस्था हो जाएगी। तो यहाँ जो है निर्माण का तात्पर्य क्या है कि महाभूतों का संयुक्त होना ही निर्माण। जगत का निर्माण स्वभाव से यंत्रवत होता है। इनका स्वभाव ऐसा है कि अपने आप जो है संयुक्त होंगे, और जब अपने आप संयुक्त होंगे तो क्या होगा? जगत का निर्माण होगा। और जब ये बिखरेंगे तो पड़ने की अवस्था होगी। तो भूतों का स्वभाव जगत का निर्माण करना है, और इस प्रकार जगत की सृष्टि अपने आप हो जाती है। चार्वाक इस मत को स्वभाववाद के नाम से
जाना जाता है। चारवाक के इस मत को स्वभाववाद के नाम से जाना जाता है कि इन चारों महाभूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि अपने आप ही जुड़ते हैं और अपने आप ही बिखरते हैं। जब आपस में संयुक्त होंगे तो जगत का निर्माण हो जाएगा, और जब चारों आपस में बिखरने लगेंगे तो पढ़ने की अवस्था हो जाएगी, जगत का विनाश हो जाएगा। तो ये जो है जगत के संदर्भ में जो चारवाक का मत हमें देखने को मिलता है कि जगत का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, चार महाभूतों के द्वारा हुआ है, पृथ्वी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, अग्नि के द्वारा। और इसका निर्माता कौन है, ये स्वयं ही है, ये आपस में ही संयोग करते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव के रूप में हमने उदाहरण दिया कि बर्फ जिस प्रकार से शीतलता का गुण पाया जाता है, अग्नि में जो है उष्णता का गुण पाया जाता है, उसी प्रकार से इन महाभूतों का भी अपना एक स्वभाव है जिससे अपने आप संयुक्त होते हैं, और जब ये संयुक्त होंगे तो सृष्टि का निर्माण होगा, और जब ये बिखरेंगे तो सृष्टि का नाश होगा। तो जगत के संदर्भ में जो है चारवाक दर्शन जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी ईश्वर नाम की सत्ता के द्वारा जगत का निर्माण नहीं हुआ, वरन जगत का निर्माण जो है महाभूतों के स्वभाव के कारण हुआ है, इनके संयुक्त होने के कारण हुआ है, और केवल चार महाभूतों के द्वारा ही जो है इस जड़ जगत का निर्माण हुआ है। धन्यवाद।